हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज़, आज के इस वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। गाइज़, आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। कुछ न्यू ऑफर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आ रहा है गाइज पेपल की तरफ से। गाइज़, इसके एक अनलिमिटेड ट्रिक भी बताऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज़, आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज़, सबसे पहले गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एप्लीकेशन आ रहा है जहाँ पर आपको वर्चुअल रुपए कार्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, फैमपे एप्लीकेशन, इसके बारे में मैंने कल रात को एक टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था। और हमें से बहुत सारे लोग गाइज़ यहाँ मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे, यहाँ पर मेल में पूछ रहे कि भाई इसके बारे में एक वीडियो बना के दो। तो गाइज़ देखो, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, 200 रुपीज़ करके गाइज़ यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता जाएगा। जितना बार आप ट्राई करोगे, जितना बार आप इसको कर पाओगे, उतना बार ही आपको मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, फैमपे एप्लीकेशन का। तो उसको सबसे पहले आप यहाँ पर डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर देकर गाइस यहाँ पर साइन अप कर लो, ओटीपी प्रोवाइड कर देना। जैसे आप इसी से कर लोगे, उसके बाद कार्ड वाला बोल के एक सेक्शन आएगा। जैसे आप वहाँ पर ओके करोगे, वहाँ पर गाइस आपका फर्स्ट नेम, वहाँ पर गाइस आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है सेम चीज़ यहाँ पर डालने का ट्राई करना, ठीक है। यानी जिसके पास मान लीजिए आप आधार कार्ड है, उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना, आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है वो डालना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे यहाँ पर पुट कर देना। तो ये सारा चीज़ जैसे आप कर दोगे, जैसे आगे बढ़ोगे, तो आपको कैसे इरर आ सकते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। तो ये करने के लिए आपको गाइस यहाँ पर कमेंट बॉक्स का यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपका फ्रेंड सर्कल में किसी के पास गाइस फैमपे का गाइस यहाँ पर एक्टिव अकाउंट है, आप आपस में गाइस यहाँ पर इन्वाइट करके आपका जो आईडी एक्टिव कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद गाइस आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को गाइस जैसे आप सक्सेसफुली यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन गाइस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। गाइस अब जरूरत है गाइस यहाँ पर आपको एक पेपल अकाउंट बनाने का। तो गाइस देखो, पेपल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी का जरूरत है बस। तो गाइस देखो, आप गूगल क्रोम के भाया कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ पैरेलल पेस एप्लीकेशन को गाइस यहाँ पर डाउनलोड कर लो। करने के बाद गाइस पैरेलल पेस में गाइस यहाँ पर ऐड कर लो यहाँ पर गूगल क्रोम को। उसके बाद गाइस यहाँ पर ओपन करो, एक जीमेल अकाउंट आप कर सकते हो। तो गाइस देखो, पेपल आपका जो पेपल का आईडी है वहां पर ओपन करो। तो वहां पर साइन अप वाला सेक्शन पे जाके गाइस आपका ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड देके आप पेपल का गाइस यहां पर लॉगिन कर सकते हो। गाइस अभी के लिए आपने पेपल आईडी को ओपन किया, ओपन करके रख दिया, ठीक है। तो यहां पर अभी के लिए गाइस आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा। कार्ड आपको कहां पे मिलेगा गाइस? यहां पर फैमपे एप्लीकेशन पर जाओ, वहां पर आपको कार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले गाइस वहां पर आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वाला ऑफर ट्राई करने के लिए 400 रुपीज गाइस यहां पर ऐड मनी कर सकते हो फैमपे गाइस वहां पर उसका जो कार्ड है। तो वहां पर ऐड करते वक्त गाइज आप काफ़ी सारा वहाँ पर पेमेंट मेथड मिल जाएगा पैसा ऐड करने के लिए। गाइज यहाँ पर आप फोनपे के भाया भी कर सकते हो। तो पैसा मान लीजिए 400 रुपीज़ आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद आपको वर्चुअल कार्ड वहाँ पर रुपए कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा फैमपे एप्लीकेशन पर। तो गाइज गूगल क्रोम एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करोगे, तो गाइज यहाँ पर अभी आपको कार्ड डिटेल देना पड़ेगा, जो कार्ड का नंबर से उसके बाद वैलिड थ्रू डेट, उसके बाद CVV नंबर, ये सारा चीज़ जैसे आप यहाँ पर दे दोगे, उसके बाद जिस नंबर से आपने ओपन किया था सेम उसी नंबर पर गाइज आपको एक OTP पहुँचा जाएगा। उस OTP को जैसे आप यहाँ पर गाइज पेस्ट कर दोगे, तो गाइज आपको एक काम हो जाएगा, पेपल आईडी बन जाएगा और आपका जो फैमपे कार्ड है उस फैमपे कार्ड के साथ गाइज यहाँ पर पेपल का जो आईडी है यहाँ पर लिंक अप हो जाएगा। अब गाइज आपको एक ऑफर का मैं आपको बता देता हूँ, 50% कैशबैक अप टू 200 रुपीज़ गाइज वाला ऑफर लूटने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। तो गाइज नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला आपको क्या करना पड़ेगा। गाइज वैसे तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन में गाइज ये 50% कैशबैक अप टू 200 रुपीज़ वाला ऑफर आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुबेर एप्लीकेशन को आप जरूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो कुबेर एप्लीकेशन में पैसा लोड कर सकते हो 400 रुपीज़, और गाइज आप पेमेंट जब करोगे वहाँ पर आपको पेपल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो पेपल वाला जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, तो पेपल का वेबसाइट आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका जो आईडी है पेपल का और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वहाँ पर ओपन करो। करने के बाद आपको यहाँ पर CVV डालना पड़ेगा। CVV कौन सा डालोगे गाइस? आपका फैमपे का जो कार्ड आपने डिटेल्स दिया था उसका CVV गाइस यहाँ पर पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे, आपको फैमपे एप्लीकेशन में इससे पहले आपने पैसा लोड करके रखा, तो गाइस आपको सिंपली OTP देना पड़ेगा। जैसे गाइस आप OTP को प्रोवाइड करोगे, गाइस आपको यहाँ पर 400 रुपीज़ कुबेर में आ जाएगा, और गाइस आपके एक संग 200 रुपीज़ का वाउचर सबको मिल जाएगा अपना मेल पर, जिसको आप गाइस अब नेक्स्ट डे काम कर सकते हो। फिर से 200 रुपये का इस कुबेर में ऐड कर सकते हो और पेपल का भाया पे कर सकते हो। इस बार गाइस पेपल में जो आपको कैशबैक मिला उस कैशबैक से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका पूरा पैसा कुबेर में आ सकता है। गाइस पता होगा कुबेर ट्रस्टेड है और आप बहुत सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस इसको अनलिमिटेड टाइम कैसे लौट सकते हो। ये गाइस ये जो टोटल चीज़ मैंने बता दिया, टोटल फंडा मैंने बता दिया, आई होप आपको यहाँ पर अपने आपके पास क्लियर कट हो गया। तो गाइस देखो, अभी आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको अनलिमिटेड टाइम
यानी मैक्सिमम टाइम लूटने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपका जो जो आधार कार्ड है उस सेम आधार कार्ड से होगा, आपको बस एक काम करना पड़ेगा, जो फैम पे एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करो और करते वक्त न्यू नंबर डाल दो। न्यू नंबर डाल दोगे और गाइस सेम अगर आप अपना जो आधार कार्ड है उसको डालोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और गाइस आपको पता, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया पैरेलल पे, इसको गाइस यहाँ पर दोबारा से सेम प्रोसेस अपना सकते हो, एक ईमेल एड्रेस और गाइस जो गूगल क्रोम का, जो गूगल क्रोम को डिलीट करके दोबारा गूगल क्रोम को ऐड करके फिर से गाइस आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ मैंने गाइस मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस को अगर जितनी बार चाहो आप रिपीट करोगे उतना बार गाइस आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ओके गाइस आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, आई होप आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।